किसने जो है बैकअप करनी है, एक मॉडम ए हो गई, दूसरी मॉडम बी हो गई, तीसरा एफटीएन, ये तीन फाइलें हमने कॉपी करनी है। यूएमटी से आपने इसका बैकअप नहीं करना। यूएमटी का बैकअप किसी काम का नहीं है, वो वर्किंग नहीं है, वर्क नहीं करता, उसमें बहुत सारे एरर आते हैं। अनलॉक टूल यूएमटी और क्यूफिल टूल से अगर आप इसका बैकअप करेंगे तो 100% आपका बैकअप वर्किंग होगा। आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसका बैकअप करता हूँ। आपने देखना है लोडर जो है वो भी आप जो है गूगल से उठा सकते हैं इसका, ठीक है। तो लोडर सबसे पहले जैसे ही हम डालेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन पहले एडीएल में हो या बाद में कर लें, तो हम जैसे कनेक्ट करेंगे लोडर डाल के, आपका जो फ़ोन है वो अपनी पार्टीशनें शो करेगा। जब फ़ोन पार्टीशनें शो करेगा तो हमने एफटीएम, मॉडम ए और मॉडम बी, ये तीन फाइलें बैकअप करनी है, लाजमी बैकअप करनी है। उसके बाद हम इसको अगला जो है क्रॉस फ्लैश करेंगे, इसको जो फाइल है ना वो ग्लोबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लैश। क्रॉस फ्लैश में भी कुछ चीज़ें डिलीट करनी होती हैं रेज करके, उसके बाद कुछ चीज़ें अनचेक करके हमने फ्लैश करना होता है। तो मैं इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ़ोन जो है वो हम EDL में लगाते हैं, आप चेक करते जाइए वीडियो में, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा हर एक चीज़। तो यहाँ पे देख लें, हमने जो पार्टीशन है वो शो हो गई है हमारी। हम यहाँ से एफटीएम, मॉडम ए, मॉडम बी उसका बैकअप लेंगे, आप देख लें, ठीक है। और एफटीएम, मॉडम ए, मॉडम बी का बैकअप, उसके बाद हमने फ़ोन को EDL से निकाल लेना है।
अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने UMT टूल जो है वो हमने ऑन किया, फ़ोन को EDL में कनेक्ट किया, UMT टूल हमारी जो है वो ओपन हो गई है। और हम क्या करेंगे, एडवांस जो है ना, एडवांस फ्लैशर पे, वहाँ पे जाके हम इसको कनेक्ट करवाएंगे। जैसे ही हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट होगा, अपनी सारी पार्टीशनें शो करेगा, तो उस जब ये पार्टीशनें शो करेगा, इसमें से हमने जो पार्टीशनें हैं वो जो आपने अरेज करनी है वो FTM, मॉडम ए, मॉडम बी, OPA, OPB, सिड ए, सिड बी, ये 7 फाइलें बनती हैं। ये 7 फाइलें आपने चेक करके अरेज करनी है। अरेज जैसे ही आप करेंगे डिस्कनेक्ट के बटन पे, या अरेज करने के बाद फाइलें जब आपने ऊपर कनेक्ट रहे वहाँ पे अगर डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आपने अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप जो है उसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। और नेक्स्ट आप इसको क्रॉस फ्लैश बताऊंगा कि कैसे करना है।